Well, Abhishek Manu Singhvi of the Congress is in fact holding a press conference addressing the battle and the controversy that is happening in Delhi. Let's listen. दिल्ली में सरकार बनाने की बिना चुनाव के संवैधानिक रूप से और सच्चाई के आधार पर राजनीतिक सच्चाई के आधार पर हम सब जानते हैं कि दिल्ली में सरकार बिना चुनाव के सिर्फ दो कारणों से बन सकती है, या तो बिना वोट दिए एब्सटेन करके और या दल बदल करके। तीसरा न संवैधानिक कोई विकल्प है न कोई और राजनीतिक विकल्प हो सकता है। तो जब अगर आप 10 महीने से कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई चेंज किसी प्रकार का नहीं है, ज़मीनी चेंज कुछ नहीं है, अगर अचानक आप इतनी उत्सुकता दिखाते हैं सरकार बनाने के लिए और मांग करते हैं इनविटेशन का, तो जाहिर है ये सिर्फ इसलिए है कि आप खरीद फरोख्त की राजनीति करना चाहते हैं। और यही आपको चेहरा इसी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में दिखाया है। बड़ी अजीबोगरीब बात हुई है कि जो वहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ लगभग 10 प्रत्याशियों ने विड्रॉ कर लिया है। आखिरी डेट जो स्क्रूटनी की उसके बाद किया गया है विड्रॉ, और करीब करीब एक व्यक्ति को छोड़ के आरपीआई के कोई एक प्रत्याशी हैं, उनको छोड़कर सिर्फ बीजेपी का आदमी बचा है फ्रेम में। तो ये न एक अद्भुत ज्ञान से होता है, न हवा और बिजली से होता है, न आसमान से होता है, ये होता है ऐसी चीज़ें जो आपने देखी कल। कल आपने देखा कैमरे में कि 4 करोड़ की बात हो रही थी, पता नहीं कितने करोड़ की बात हुई है छत्तीसगढ़ में। लेकिन ये संवैधानिक रूप से इस पार्टी को जो इतना बड़ा एक नैतिकता का स्तर अपने आप को बताती है, क्या संविधान फॉलो करती है, क्या नैतिकता फॉलो करती है, क्या कानून फॉलो करती है, जो इतने आपको ढोंग रच के बातें बताई जाती हैं, उनकी सच्चाई ये है दिल्ली में भी और छत्तीसगढ़ में भी। और मेरे मित्र अभी कुछ निकट भविष्य में आपको पूरा इसका डिटेल बताएंगे। मित्रों, जम्मू एंड कश्मीर के विषय में हमें अत्यंत दुख है, हम शोक से भरे हैं हमारे भाइयों और बहनों के लिए जिनको इतनी पीड़ा वहाँ पर सहनी पड़ रही है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि देश की और प्रदेश की हर एजेंसी हर रूप से हर वो प्रयत्न करेगी जल्द से जल्द, जिससे एक व्यापक रूप से वहाँ पर कुछ आराम मिले,